Hi guys, welcome back to our channel Let's Travel. So today we are traveling from Delhi to a nearby destination which is Karmashale. It's nearby to Gurgaon, you can stay in Manesar, and it's a very peaceful place. So come, let's see and enjoy. This is the entrance of Karmashale, Karma Lakelands. You can see the greenery around and the blooming flowers. बहुत ही सुंदर और बहुत ही peaceful जगह है और दिल्ली से काफ़ी पास भी है, तो it's a weekend getaway too. This was our welcome drink. हमें वहाँ पे welcome drink मिला था जैसे हम पहुँचे. मैंगो फ्लेवर रिलेटेड कुछ. और ये हमारा वे है टू आवर रूम. ऐसे ना बीच में उन्होंने पाथ बना रखा है, साइड्स में प्लांट्स और बहुत ही फ्लावर्स ये सब कुछ प्लांट कर रखे हैं और सीटिंग्स हैं डिफरेंट. ये देखिए, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा. उन्होंने शिवलिंग रखा हुआ था ऐसे, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ना स्टैचूज़ बने हुए हैं. कहीं पे गणेश जी की मूर्ति है, कहीं पे कुछ और है. इट्स रियली प्रिटी एंड वेरी डिफरेंट आई मस्ट से. देखिए यहाँ पे सिटिंग है, झूला है छोटा सा बिल्कुल आपके रूम के आगे. यहाँ कुछ चेयर्स पड़ी हैं, टेबल हैं. ये ऐसे रूम्स थे. इन रूम्स के सामने हमें बहुत सारी सीटिंग्स और यू नो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आए, फैमिली के साथ आए, आप कहीं पे भी चिल कर सकते हैं. एंड दिस वॉज आवर रूम. सो दिस इज़ आवर रूम स्टूडियो मंगोलियो जो हमें मिला था. इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं. वी हैव चूजन दिस रूम. रूम वॉज फाइन, कोजी एंड कम्फर्टेबल. ये सीटिंग्स हैं, इसके सामने टीवी था. छोटा सा लिविंग एरिया समझ लीजिए आप अपना. ये आपका बेडरूम काइंड ऑफ ऐसे फीलिंग थी जैसे छोटा सा घर हुआ आपका. जैसे आपके घर के पीछे छोटा सा बैक यार्ड है, घर के आगे गार्डन है. सो इट वॉज गिविंग यू अ फीलिंग ऑफ हैविंग योर ओन स्मॉल हाउस, ड्रीमी हाउस. मुझे ऐसा फील हुआ. ये देखिए, फूल लगे हुए हैं. आपका अपना गार्डन है जिसमें शाम को आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ चिट चैट इन्जॉय कर सकते हैं. वॉशरूम मुझे बहुत छोटा लगा, बट यू कैन से कि आप कंफर्टेबली अकोमोडेट कर सकते हैं. इस तरह से डिज़ाइंड है कि आपको सेक्शंस में डिवाइडेड है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मुझे लगा छोटा था. एनीवेज, ये देखिए उन्होंने कितना अच्छा जेस्चर किया था हमारे लिए. नाउ दीज आर द विलास. दिस इज़ लिटिल फार फ्रॉम आवर होटल रूम्स. होटल रूम्स बहुत कम है वहाँ पे, बहुत सारे नहीं हैं. ये सब विलाज हैं जो आई गेस सोल्ड आउट हैं कुछ लोगों को. ये देखिए यहाँ पे साइकिल स्टैंड्स भी हैं. यू कैन रेंट अ साइकिल एंड रोम अराउंड इन होल प्रॉपर्टी. ये फार्म है वहाँ पे, फार्म. यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे एंड बहुत इन्जॉय किया हमने. लुक अराउंड, आप लोग भी देखिए. Yes, you can feed these animals and it feels so good. मेरे लिए तो कुछ अलग सी ही वाइब थी.
और ये हनी भी वो अपना हनी खुद क्रिएट करते हैं एंड दे सेल इट ओवर हेयर इन कर्मा क्लब ऑल्सो। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स थे जिनसे हम मिले और वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आपसे जो इन एनिमल्स की टेक केयर करते हैं, वो इनके नाम बताएंगे। यू कैन टच देम, यू कैन फीड देम, यू कैन स्पेंड टाइम विद दीज ब्यूटीफुल एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट लगा रादर देन अदर रिजॉर्ट्स वी विजिट यूजुअली। तो ये भी एक अलग फीलिंग है, आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जाके। दिस इज़ कर्मा क्लब एंट्रेंस, वन ऑफ द रेस्टोरेंट इन कर्माशाले। ये सब चीज़ें अंदर से इंटरकनेक्टेड है, बट इट्स अ वेरी बिग प्रॉपर्टी जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, गोल्फ कोर्स है। मैंने दिखाया कि वहाँ पे लोगों के घर भी हैं, होटल रूम्स भी हैं। सो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड एंड यू कैन रोम अराउंड। आप वहाँ पे एक होटल राइड बुक कर सकते हैं जिसमें वो आई गेस 1000 रुपीज़ में आपको पूरा रिजॉर्ट घुमा देंगे। और आप खुद भी आप साइकिल रेंट कर सकते हैं, आप उससे भी घूम सकते हैं, आप बाय वॉकिंग भी घूम सकते हैं नेचर वॉक करते करते। इट फील्स गुड, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट्स ऑल योर चॉइस। ये कर्मा क्लब का रिसेप्शन है और वहाँ हनी बीज दिखाई थी ना, वो यही हनी है जिसको वो सेल आउट करते हैं, आई गेस 1000 रुपीज़ वन जार, क्योंकि उनका प्योर हनी है। और भी बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें थी, यू कैन परचेज देम फ्रॉम हेयर। बाकी ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। स्क्वाश खेलने के लिए एरिया है ये, बट यहाँ पे शूज़ के बिना अलाउ नहीं था। और भी बहुत सारे प्लेइंग जोन्स हैं, ये देखिए ऐसे पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए जगहें हैं, बहुत सारे अलग अलग शो पीसेस हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेट और इंटीरियर कर रखा था। ये सब जगहें लिखी हुई हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ बाहर स्विमिंग पूल है जिसके बिल्कुल सामने एक पूल व्यू के साथ रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा बाय द बे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं, आला कार्ट से आप इन सब जगह पे खा सकते हैं। और अगर आपका इंक्लूडेड होगा आपके उसमें बूफे, तो वो अंडर द नीम एक अलग रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको बूफे मिलेगा। यहाँ पे आप खुद से आके आला कार्ट इन्जॉय कर सकते हैं, बट अगर रेस्टोरेंट से आपका बूफे इंक्लूडेड है तो वो अंडर द नीम में ही होगा। और ये भी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप आके खा सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी केकरी भी थी जिसमें बहुत सारे पेस्ट्रीज वगैरह केक्स अवेलेबल थे, इफ़ यू वांट टू ट्राई सम। तो बट बहुत सुंदर तरह से डेकोरेट किया हुआ था, दैट आई मस्ट से। देखिए कितना सुंदर शैंडेलियर है।
भी एक रेस्टोरेंट ही था जिसके साइड में ये सब कुछ था। एक गोल्फ कोर्स एरिया है, यहाँ पे भी जाना अलाउड नहीं था अंटिल अनलेस आप गोल्फ खेल रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे नेस्ट टांग रखे हैं, और ये उन्होंने ऑल ओवर प्रॉपर्टी ऐसा कर रखा है जस्ट टू बिल्ट अप द यू नो फील। और इसी वजह से शायद वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं जो उन्होंने पाल नहीं रखी हैं, बट बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज ऑफ द एम्बियंस वो वहाँ पे आती हैं। ये प्ले एरिया जोन है फॉर किड्स, आप झूले देख के समझ ही गए होंगे। ये अंडर द नीम के बाहर है, जो मैंने बताया था कि अगर आपका बूफे इंक्लूडेड है तो वो हमेशा अंडर द नीम के ही अंदर होगा, तो ये वही एरिया है। आई होप यू कैन फील द प्लेस, लुक एट द वाइब, आई रियली लव्ड इट, द झूला एंड द प्लेइंग एरिया। ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक हनी भी प्लांट्स के पास थी जो फ्लावर्स के अंदर जा रही थी, मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। सो यू कैन फील द वाइब ना, कि कितना सिटी लाइफ से ब्रेक अगर आप चाहते हैं तो आप यू कैन ट्राई दिस। ये अंदर का एरिया है जहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट बूफे होता है, और इनफैक्ट रात को डिनर बूफे भी होता है। यू कैन सिट आउटसाइड ऑल्सो एंड यू कैन सिट इनसाइड ऑल्सो एज पर द वेदर, बट उन्होंने अरेंजमेंट्स किया होता है। जैसे अभी थोड़ी ठंड थी तो बोन फायर था रात को, और फैंस भी रखे हुए हैं जो अब कवर्ड थे बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज, तो शायद वो गर्मियों में वो फैंस भी चलाते होंगे। रात को ये बिल्कुल डिफरेंट लगता है, मैंने उसकी भी क्लिप ऐड की है, यू कैन सी इट, दिस इज़ द नाइट व्यू। एंड वीडियो में आई कांट कैप्चर द ब्यूटी ऑफ द रेस्टोरेंट, जो आप तब फील करेंगे जब आप वहाँ पे होंगे। एंड लुक एट दिस, दिस इज़, यू कांट बिलीव, दिस इज़ अ टेम्पल आउटसाइड अंडर द नीम रेस्टोरेंट, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट डे हमारी एनिवर्सरी थी तो उन्होंने कुछ ऐसा रूम डेकोरेट किया हुआ था, सो स्वीट ऑफ देम, वी रियली लव्ड इट। ये नेक्स्ट डे हम वही वाले रेस्टोरेंट में जाना चाहते थे जहाँ पे पेस्ट्रीज थी, बट वहाँ पे कोई इवेंट चल रहा था किसी कंपनी का, तो उन्होंने हमें ऊपर शिफ्ट होने के लिए बोला। ये भी एक कॉकटेल अक्स करके एक कॉकटेल रेस्टोरेंट था जहाँ पे आप ऊपर अपना इंजॉय कर सकते हैं और पूल खेल सकते हैं। और यहाँ पे भी अगेन फिर से वही इतने अच्छी तरह से डेकोरेशन थी, और गोल्फ कोर्स का व्यू था। ये देखिए पूल टेबल, यहाँ पे आप पूल भी प्ले कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मैचेस देख सकते हैं, स्क्रीन लगी हुई है, और इन्जॉय कर सकते हैं अपना फूड। सो बेसिकली अगर आपको अपनी लाइफ से ब्रेक चाहिए, सिटी लाइफ से बेसिकली ब्रेक चाहिए, और आप नेचर इन्जॉय करते हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। यू कैन ट्राई इट वंस, आई इन्जॉयड इट, एंड इफ़ यू इन्जॉयड दिस वीडियो एंड जो भी मैं कैप्चर कर पाई आप लोगों को ये विजुअल टूर कराने के लिए कर्मशाले का, आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये देखिए, ये तो मैं दिखाना ही भूल गई, वहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी वेजिटेशंस उगा रखी थी किचन गार्डन नीम अंडर द ट्री के बैकयार्ड में, स्पिनच, टमाटो, कोरिएंडर और डिफरेंट डिफरेंट लेटस, रेडिश, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स लगे हुए थे वेजिटेबल्स के। सो आई लाइक द प्लेस, अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ विज़िट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।